पिंकी और झपट जी का जन्मदिन। दादा गज्जू और झपट जी। दादा, आज फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। क्या, मकान मालिक ने तुम्हें फिर तंग किया? मैं उसके हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। नहीं दादा, वह बेचारा तो डर के मारे किराया लेने भी नहीं आता। आज हमारे यहाँ तरह तरह के पकवान बने हैं, आओ और उन्हें खाओ। यह सुनते ही गज्जू दादा झपट जी की गर्दन दबोच लेता है। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मगर मेरा कसूर क्या है? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि डाइटिंग करो और वजन घटाओ, क्योंकि मोटापे से दिल का दौरा पड़ सकता है, और तुम मुझे पकवान खिलाकर मारना चाहते हो। झपट जी नाकाम होकर वापस घर लौट आते हैं। नाकामी हाथ लगी, वह डाइटिंग पर है। इससे तो अच्छा होता अगर खाना पिंकी और उसके चंडाल चौकड़ी ही खा लेते। तुम ठीक कहती हो। झपट जी घर से बाहर चल देते हैं। इससे पहले अपने जन्मदिन पर मैं कभी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ा। पिंकी के घर पर। कश्यप भाई, मैं पिंकी और उसके दोस्तों को लेने आया हूँ, ताकि वह मेरे घर आकर खाना खा सके। मुझे अफसोस है झपट जी, पिंकी और उसके साथियों को अभी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ले गई है। वहाँ पर इंस्टेंट फूड का टीवी विज्ञापन बनाया जाना है, जिसमें बच्चों को खाना खाते हुए दिखाया जाएगा। ये सुनते ही झपट जी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तब फिर आप दोनों पति पत्नी मेरे साथ चलकर खाना खाइए। मना ना करना, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन हम थोड़ी देर पहले खाना खा चुके हैं। झपट जी वापस लौट जाते हैं। घर में स्वादिष्ट खाना पड़ा है और कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। झपट जी के घर पर। रुक्मणी, कोई आने को तैयार नहीं। तब फिर यह सारा खाना हमें ही खाना पड़ेगा। दोनों जने खाना खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, खाते हैं। काफी खा लिया, अब और नहीं खाया जाता। अभी काफी बचा है, सब खत्म करना होगा, खाते जाओ। कुछ देर बाद। बस अब और नहीं खा सकता मैं। दूसरे दिन। कुछ ज्यादा खा लिया है, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। पिंकी और झपट जी। झपट जी, आगे से मैं मेहमानों में गलतफहमी नहीं होने दूंगी। अगर मैंने फिर कभी जन्मदिन मनाया तब।